आज मैं आपको गद्य खंड से पाठ 14 पढ़े एकांकी सा 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 ता देखे राम कुमार शास्त्रार्थ के मतलब क्या होता है, शास्त्रों का क्या। हिंदू समुदाय में शास्त्रों का बहुत महत्व है और जो पंडित का काम करते हैं उनको शास्त्रों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उनका अध्ययन, उनको याद करना, उनके अर्थ को जानना है और उनके बारे में पूरी जानकारी रखना, मौखिक याद करना, सब बातें औसत मानी जाती हैं। तो जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से बड़े से बड़ा काम कर सकता है और सबको परास्त कर सकता है। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया को परास्त कर सकते हैं। स्वाभिमान और अभिमान, अपने इज्जत को बनाए रखना स्वाभिमान कहलाता है, अभिमान अहंकार के। मान लो हम ज्ञान कुछ रखते हैं और इस पर हम यदि इतराते हैं, अभिमान करते हैं, तो वो अहंकार है। अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है परंतु वो अहंकारी था। अहंकार होने के कारण ही उसका विनाश हुआ। तो अहंकार जीवन के लिए अच्छा नहीं है, अभिमान जीवन के लिए शुभ नहीं है। हमारे जीवन में माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। भगवान से पहले माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हमें जीवन में दृढ़ निश्चय बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, आत्मविश्वासी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए और दूसरों से अच्छे गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ें तो हमने उनसे प्रेरणा ली। स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत विद्वान हैं, महापुरुष हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। देखिए, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। कभी कभी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होता है तो हमें उसको कम नहीं करना चाहिए या उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, समझेंगे, बल्कि उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और उससे स्नेह और अपनेपन दिखाना चाहिए। तो ये जो पाठ है इसमें शास्त्रों के बारे में बताया गया है और क्या क्या घटनाएं घटती हैं ये आपको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको साथ साथ बताते चले। तो इस एकांकी का पहला पात्र है, पात्र परिचय में सुदामा, राजा जनक के मंत्री हैं। अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार हैं। वंदन शास्त्रास्त्र करने वाले महापंडित हैं। एक पंडित एक महापंडित होता है तो ये शास्त्रों के ज्ञाता है, इनको महापंडित कहा गया। कोहोड़ अष्टावक्र के पिता है, अष्टावक्र के पिता। सतानंद महाराज जनक के पुरोहित और प्रहरी। महाराजा जनक विदेह राज्य के राजा है। तो इस बात पर इसके बाद अब हम आपको एकांकी पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो। सुदामा, सुदामा बोलता है, अपने आसन से उठकर, महाराज विदेह अब आने ही वाले हैं। महाराजा विदेह अब आने ही वाले हैं।
सभी महानुभाव सावधान हो जाए। निमिराज महाराज विदेह की जय ध्वनि होती है। निमिराज विदेह का आगमन, सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना अपना बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण करते हैं। सतानंद महाराज का कल्याण, महर्षि याग वल्क्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या है, इसकी घोषणा करने की कृपा करें। जनक, क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? वंदन, उठकर महाराज की जय। मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य मुद्गल, कोहोड़, पुरंजय, निधाक और लोमश। इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार ये सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। आज संभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वह मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। जनक, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। तो ऐसा आपको पढ़ना, धीरे धीरे पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, इस एलेशन साहित्यिक है, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे शास्त्रार्थ यानी शास्त्र ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर, पराजित यानी हार, और इसके अलावा देखिए उद्दात यानी ऊंचे स्वर में उच्चारण करना, अनुदात यानी नीचे स्वर, ज्ञानेन्द्रिय यानी विषयों का बोध करने वाली इंद्रियां, स्वत्सर यानी वर्ष, भुवन यानी संसार, व्यसन यानी पूरी आदतें, प्रतिरोध प्रतिशोध बदला। साहित्यिक भाषा होने के कारण कठिन शब्द नहीं है। निपथ्य, शास्त्रार्थ, निर्विकार, कुटिलता, मुदता, ज्ञानेन्द्रियां, याज्ञवल्क्य, मुद्गल, अष्टावक्र, अनुष्ठान, निसंदेह। तो आप जब पढ़ते हैं और जो शब्द आपको कठिन लगता है उसको रद्द करके में लिखते चाहिए, लिखते चाहिए। जब आप उस शब्द लिखते जाएंगे तो उसकी उसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन दोनों पर आप ध्यान दीजिए। उसको 2-3 बार फिर लिखेंगे तो कठिन शब्दों को 2-3 बार जब हम लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण भी सही हो जाएगा और उसको सही तरीके से लिखना भी आ जाएगा। डिक्टेशन जब होगा तो आप उस समय शुद्ध लिख सकते हैं। तो महाराजा जनक का राज दरबार सजा है और सुदामा जो कि उनका मंत्री है क्या बोलता है, अपने आसन से उठकर क्या बोलता है, महाराज विदेह, विदेह के राजा कौन है, जनक। आने ही वाले राज दरबार में राजा जनक आने वाले हैं। सभी महानुभाव से निवेदन है कि वो सावधान जाएं। निमिराज महाराज विदेह की जय ध्वनि होती है। निमिराज विदेह का आगमन होता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं और उनके बैठने के बाद सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण करते हैं। फिर सतानंद ने बताया ना आपने, महाराजा जनक के पुरोहित हैं ये और प्रहरी हैं, पुरोहित और प्रहरी दोनों हैं। वो खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, महाराज का कल्याण है। महर्षि यागलव वलक्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें। जनक, राजा जनक क्या बोलते हैं, क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? हैं वंदन मिश्र, ये हैं शास्त्रार्थ करने वाले वहाँ पंडित राजा के दरबार, राजा जनक के दरबार में शास्त्रों की ज्ञाता हैं और वहाँ पंडित, और ये क्या बोलते हैं, जनक इनके बारे में पूछते हैं। राजा जनक, क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? तो वंदन खड़े होकर बोलते हैं, महाराज की जय, मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों से मैंने सभी पंडितों को जो कि शास्त्र
शास्त्रार्थ में मेरे से मुकाबला करने आए थे, पराजित हो गए। वे कौन कौन है? कौशिक, धर्माचार्य, मधुर, कहोड़, पुरंजय, निदार और लोवश, सब को मैंने शास्त्रार्थ विषय पर पराजित कर दिया और इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार उन सभी पंडितों को नदी में डुबोकर मार दिया गया। ऐसा नियम बनाया था किसने? वंदन ने। जो मेरे से, जो पंडित हैं, मेरे से शास्त्रार्थ का मुकाबला नहीं कर सकता या शास्त्रार्थ में मुकाबला करते पराजित हो जाता है, उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। ऐसा नियम उन्होंने बना दिया और इस नियम के तहत उन्होंने 8-7 सभी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था, नदी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया था। तो ये अभिमान था उनका और अभिमानवश उन्होंने ऐसा कार्य किया था, जो एक प्रकार का अन्याय और अत्याचार भी कहा जा सकता है। राजा जनक ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए, ऐसा राजा जनक ने कहा। तभी प्रहरी का प्रवेश होता है। प्रहरी क्या बोलते हैं? महाराज की जय। 12 साल का एक बालक आपकी राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। राजा जनक से आते ही संबोधित करते हुए प्रहरी क्या बोलते हैं? महाराज की जय। 12 वर्ष का एक बालक जो राजसभा में आना चाहता है और राजसभा में आने की इजाजत चाहता है। जनक, राजा जनक हैरान हो जाते हैं, 12 वर्ष का बालक, हैरानी से, आश्चर्य से, 12 वर्ष का बालक वो क्या चाहता है? प्रश्नवाचक। प्रहरी राज पंडित वंदन मिश्र शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। प्रहरी जवाब देता है कि आपके दरबार का राज पंडित वंदन मिश्र से वो शास्त्रार्थ विषय पर शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है, यानी शास्त्रों के बारे में डिस्कस करने की अनुमति चाहता है। राजा जनक हैरान हो जाते हैं, 12 वर्ष का बालक राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? उनको भरोसा नहीं होता, आश्चर्य हो जाता है कि हमारे दरबार के राज पंडित महापंडित हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं और शास्त्रार्थ के ज्ञाता वंदन मिश्र से 12 साल का बच्चा क्या मुकाबला करेगा, क्या डिस्कस करेगा? क्या वह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता? राजा जनक बोलते हैं, उस बालक को से जाकर पूछो कि वो राज पंडित वंदन मिश्र के द्वारा जो नियम बनाए हैं हमारे राज में, उस नियम को अच्छी तरह जानता है या नहीं जानता। उसको पहले जाके बता दो कि जो शास्त्रार्थ में उनसे पराजित हो जाएगा उसे नदी में डुबोकर मार दिया जाएगा। तो ये पहला नियम उसको समझा दो, बता दो। प्रहरी को ऐसा सूचना दी जाती है। प्रहरी बोलता है, मैंने यह नियम उसे बता दिया। प्रहरी बोलता है, मैंने उस बालक को ये नियम बता दिया, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हट कर रहा है, जिद कर रहा है। जनक, वह पागल तो नहीं है? प्रहरी, महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। 8 स्थानों से उसका शरीर टेढ़ा है, मतलब वो सबूत नहीं, अक्षम व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, अनफिट व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं, जिसका शरीर में दोष होता है। 8 स्थान उसके शरीर के 8 स्थान में टेढ़े मेढ़े हैं, आकृतियां हैं। जनक, उसका नाम क्या है? प्रहरी, उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया, जैसा शरीर है वैसा नाम भी है, अष्टावक्र हैं बतलाया। वंदन, ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्र,
मंदन मिश्र राज पंडित मंदन मिश्र अभिमान में क्या बोल रहे हैं, घमंड में क्या बोल रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर वाला साधारण व्यक्ति मेरे से क्या शास्त्र करेगा। सारे पंडित सतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कर सकता है नहीं हो सकता। सतानंद महाराज पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वो बालक कौन है और वो कैसा है, यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवाया, राज दरबार में बुलवाया जाए। सतानंद राजा जनक को ये बोलते हैं। आपको मालूम है ना सतानंद कौन रहे? सतानंद महाराज जनक के राजपुरोहित हैं। तो वो राजा जनक को बोलते हैं महाराज पंडितों के मन में, हम सब पंडितों के मन में यह जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि वो बालक कौन है जो ऐसा बोल रहा है और वो कैसा है, यदि आज्ञा हो आपका आपकी अनुमति हो तो उसे रामदरबार में बुलवाया जाए। राजा जनक उसका अपमान नहीं होना चाहिए, प्रहरी से अच्छा उसे पूछते। राजा जनक पहली शब्द लगाते हैं कि वो अक्षम व्यक्ति है, अनफिट व्यक्ति है, लेकिन हमारे दरबार में उसका किसी प्रकार से भी अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसको उसका किसी प्रकार से अपमान नहीं करेगा, ये शर्त है, ऐसा राजा जनक बोलते हैं। उस अच्छा उसे भेजो। प्रहरी महाराज की जय प्रस्थान करके वहाँ चले जाते हैं। अष्टावक्र का प्रवेश, और वो प्रहरी अष्टावक्र को जाकर सूचना देता है कि आप जाइए, अनुमति दी जाती है अंदर जाने की। राजदरबार में अष्टावक्र का प्रवेश होता है। उसका शरीर आठ स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा है और मृग चर्म लपेटे हुए, मृग चर्म जानते हैं ना, हरिण का कवर, हरिण के शरीर का कवर को लपेटे हुए हैं। अष्टावक्र हाथ उठा महाराज का कल्याण, आते ही अष्टावक्र शिष्टाचार बस राजा जनक क्या बोलते हैं, महाराज का कल्याण। जनक राजा क्या बोलते हैं, स्वागत है ब्राह्मण कुमार, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं, अच्छा में व्यक्ति है ना, अपाहिज है, पूरी तरह से उसका शरीर का आकार बकार बिगड़ा हुआ है, तो सारे पंडित उससे उस पर हंसते हैं, मजाक करते हैं, ये क्या मुकाबला करेगा शास्त्र। अष्टावक्र महाराज मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं, मैं तो समझता था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित हूँ, किंतु मुझे तो यहाँ कोई पंडित नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा मूर्ख ही मूर्ख। हमें अक्षम व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए, ये सब विधाता ने बनाया है। किसी की आंख नहीं है, किसी का पाँव नहीं है और किसी का कोई और अंग नहीं है, तो हम पर हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका उपहास निकलना चाहिए। तो अष्टावक्र क्या बोलता है, महाराज मैंने तो सुना था कि आपके दरबार, हाँ महाराज मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं, ये पंडित हैं मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरा अपमान हो रहा है, मैं तो समझता था कि आपके सभा में विश्व प्रसिद्ध पंडित होंगे। जो पंडित होते हैं ना वो दूसरों पर नहीं हंसते, वास्तव में जो पंडित ज्ञानी पुरुष होते हैं वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, दूसरों पर हंसते नहीं, दूसरों का उपहास नहीं करते, वो सबका सम्मान करते हैं, वही पंडित होते हैं। तो ये व्यंग करता है, देखो मैं तो सोच रहा था आपके दरबार में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, परंतु मुझे तो यहाँ में पंडित दिखते ही नहीं, मूर्ख ही मूर्ख देखते हैं। जनक यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्म ज्ञानी हैं। राजा जनक दावा करते हैं कि मेरे दरबार में जो पंडित हैं वो सभासद यानी सभा के नियमों का पालन करने वाले हैं और ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी में अंतर होता है, संसार का सभी विषयों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी और ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रकांड के बारे में, दुनिया के बारे में,
धरती आकाश सभी के बारे में जो ज्ञान रखता है वो ब्रह्म ज्ञान, यानी ईश्वर का रूप ब्रह्म ज्ञानी होता है, समझे। तो जनक राजा दावा करते हैं कि मेरे दरबार में सभी योग्य व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति हैं, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। अष्टावक्र बोलता है राजा ब्रह्म ज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। महाराज ब्रह्म ज्ञानी तो वो होता है जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं, समझ में। वो शरीर में जो आत्मा है उसको देखते हैं, जो केवल चमड़े से ढके शरीर को देखते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, केवल उसके बाहरी बनावट से आकार प्रकार से नहीं कर सकते। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, बाहरी पहरावा से नहीं होती। ये सिद्धांत है। कोई व्यक्ति विद्वान है, कोई व्यक्ति महान है, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, वो उसके गुणों से पता चलता है, उसके बाहरी पहरावे से या आकार प्रकार से पता नहीं चलता। तो जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। आप अपने पंडितों को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं ये स्वीकार नहीं करता। राजा जनक तुम सत्य कहते, ब्राह्मण कुमार तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। तो राजा जनक उसके विचारों से सहमत होते हैं, अष्ट वर्ग के विचारों से सहमत होते हैं और बोलते हैं मैं आप सब कहते हैं ब्राह्मण कुमार तुम ज्ञानी आओ अपने आसन पर बैठो। अष्टावर्ग महाराज का कल्याण, अष्टावर्ग आसन पर बैठते हैं। जनक अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। जैसे ही अष्टावर्ग अपने आसन में बैठता है राजा जनक उसको संबोधित करते हुए कहते हैं ब्राह्मण कुमार आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए और क्यों आए हमारे दरबार में, आप आए हैं, आप कौन हैं और क्यों यहाँ आए। अष्टावक्र राजन मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं मैं महापंडित करोड़ का पुत्र हूँ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक है। वंदन वे मुझसे शास्त्रा में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो गए। देखिए अभिमान में क्या बोल रहे हैं राज पंडित वंदन मिश्र, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पिता कहोड़ जो मेरे से शास्त्रा में पराजित हुए थे दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए और उनकी मौत। अष्टावक्र इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिसकियां लेते हुए मुझे दी थी। अष्टावक्र की माँ का नाम क्या है, सुजाता। और बोलते हैं हाँ मेरे पिता की मौत के संबंध में मेरी माँ सुजाता ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं आज महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ, मैं उसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। जनक तो क्या तुम महापंडित वंदन पंडित राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करोगे, या जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई है। राजा जनक उसको सावधान करते हैं, अष्टावक्र देखिए आज आप राज दरबार में महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करने आए, परंतु ये जान लो यदि आप उनसे पराजित हो गए, हार गए इस विषय पर शास्त्रों के डिस्कस पर, तो तुम्हारी दशा भी वही होगी, तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हें तुम्हारे पिता का, मतलब तुम्हारे पिता के समान तुम्हें भी नदी में डूब होकर मार दिया जाएगा, क्योंकि राज दरबार का ये नियम है।
अष्टावक्र मैं यह जानता हूँ, अष्टावक्र बोलता है मैं इस नियम को जानता हूँ। राजा जनक, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए उपस्थित हो? बहुत से पंडित आचार्य वंदन का प्रभाव देख चुके। एक बार फिर सावधान करते हुए राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, तुम्हारा विपक्षी है ये वंदन मिश्र जो हैं, उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में तुम जानते हो या नहीं जानते हो? उसका क्या प्रभाव है, कैसा व्यक्ति है, कितना ज्ञानी आदमी, ब्रह्म ज्ञानी है, क्या है, कैसा, तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं जानते तो पहले जान लो, उसके बाद ये तुम का। अष्टावक्र बोलता है, अभी आचार्य वंदन को हम जैसे के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर है। स्वाभिमानी अष्टावक्र बोलता है, आज तक है मंदन इसको हमारे जैसा शास्त्रों का ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति डिस्कस करने के लिए मिला ही नहीं, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। मंदन, ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो, मुझे तुम पर दया आती है, मुझसे शास्त्रार्थ पर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। मंदन मिश्र ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र को सावधान करते हुए समझाते हुए क्या बोलते हैं, अभिमान, तुम्हारी बातों से तुम्हारा अभिमान अहंकार का भाव नजर आ रहा है, मुझे तुम्हारी आयु देखकर दया आ रही है, मुझसे शास्त्रार्थ पर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओ और अंत में तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह नदी में डूबो कर मार दिया जाएगा। तुम अभी बालक, तुम्हारी आयु अभी छोटी है, खेलने खाने की उम्र है, हैं? जाओ, इस विषय से दूर हो जाओ, अभी तुम बालक, तुम्हारे खेलने की उम्र है, मौज मस्ती की उम्र है। अष्टावक्र, वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहाँ जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्ष से अधिक प्रिय होता है। देखो अष्टावक्र क्या जवाब देते हैं, वंदन मिश्र को जवाब देते हुए बोलते हैं, आयु से मैं आपके आपसे छोटा हूँ, लेकिन आयु से ही छोटे बड़े का निर्णय नहीं करना चाहिए। जो आयु से छोटे बड़े का निर्णय करते हैं मूर्ख हैं। आयु में भले ही मैं छोटा कहाँ जाऊँ, किंतु ज्ञान से आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? आयु से मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन ज्ञान से मैं आपसे छोटा हूं, ये आप कैसे मान रहे हैं बिना प्रैक्टिकल? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष, एक पेड़ है, छोटा है, बहुत सारे फल हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ है, परंतु उसमें एक भी फल नहीं। तो प्रिय प्रिय क्या हो, फल से लदा हुआ छोटा पेड़ ही प्रिय होगा। वंदन मजाक करते, उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते हैं, टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। अष्टावक्र का जवाब सुनकर वंदन मिश्र उपहास करते हैं, बोलते हैं, तेरे टेढ़े मेढ़े शरीर पर बुद्धि है। ठीक, अष्टावक्र, मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदात और अनुदात पढ़े जाते हैं, मैंने उन्हें टोका, पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से साथ देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस
कुटिलता के कारण तेरे अंग आठ स्थानों से टेढ़े हो जाएंगे। तो अष्टावक्र के पिता ने उसे क्या अभिशाप दिया था, इसकी एक कहानी यहाँ पर है। अष्टावक्र बताते हैं कि मेरे टेढ़े अंग जो हैं, मेरे शरीर में जो आठ टेढ़े अंग हैं, वे मेरे पिता के वरदान हैं, मेरे लिए वरदान, अभिशाप नहीं, मैं इनको वरदान मानता हूँ। तुम अभिशाप मानो मानते हो, लेकिन मैं इन्हें वरदान मानता हूँ। हुआ क्या था कि मेरे पिताजी वेद पाठ करते थे, तो उद्दात और अनुदात पढ़े जाते थे। उद्दात ने ऊंचे स्वर में पढ़ा, अनुदात तब नीचे स्वर में पढ़ा। जब हम भगवान की भजन भक्ति करते हैं, कभी ऊंचे स्वर में बोलते, कभी नीचे स्वर में, कभी हम सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, तो कभी हम ऊंचे स्वर में, कभी नीचे स्वर में पढ़ते हैं। तो जब वो बोलता है, जब मेरे पिताजी वेद पाठ करते थे तो कभी ऊंचे स्वर में, कभी नीचे स्वर में, मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें आठ स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप देते हुए कहा कि मुझे आठ बार टोका है, तूने मुझे आठ बार टोका, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे आठ स्थानों से, तेरा शरीर से आठ स्थानों पर टेढ़े हो जाए, तेरे शरीर आठ स्थानों से टेढ़े हो जाए। ऐसा उन्होंने अभिशाप दिया, श्राप दिया, जिसके कारण से मेरा आठ शरीर आठ स्थानों से वक्र हो गया, टेढ़ा हो गया। वंदन, जिस पिता के श्राप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हें पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हैं। व्यंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि जिस पिता ने श्राप देकर, अभिशाप देकर तेरे शरीर के आठ भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तू उसी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज दरबार में मेरे पास आए। अष्टावक्र, पिता तो पिता है, वे आकाश से भी महान है। देखिए, माता पिता का हमारे जीवन में क्या स्थान है। पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, माँ धरती से भी बड़ी होती है, ईश्वर से भी बड़ी है। ये है माता पिता का महत्व। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीवन में हमें माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पिता आकाश से बड़ा होता है और माँ धरती से ज्यादा बड़ी होती है, ईश्वर से ज्यादा बड़ी होती है, ईश्वर से ज्यादा महान होती है। तो अपने माता पिता के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अष्टावक्र बोलता है, मेरे पिता आकाश से भी ऊंचे, इसलिए मैं उनकी मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया। मेरे पिता आकाश से भी महान है। राजा जनक, तुम सत्य कहते हो। ब्राह्मण कुमार, मुझे विश्वास है तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्र की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे कुछ प्रश्न करता हूँ। राजा जनक अपना फैसला सुनाते हैं और ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम ज्ञानी हो, प्रतिभाशाली हो, शास्त्रों के पंडित हो, किंतु ये शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अष्टावक्र, अवश्य पूछिए। जनक, यह बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, सोते समय कौन आंखें बंद नहीं करता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, जन्म लेने के बाद किसमें गति होनी, यानी हलचल नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है, किसमें हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है, गति से बढ़ता है, ये चार पांच सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कौन है जो तो सोते समय आंख बंद नहीं करता। अष्टावक्र, राजन, मछली सोते समय आंख बंद नहीं करता। राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। राजा जनक पहले सवाल का जवाब, अष्टावक्र राजा जनक के पहले सवाल का जवाब देता है कि राजन, मछली सोते समय आंख बंद नहीं करते। दूसरा सवाल, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, उत्तर है
अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। किस में हृदय नहीं होता? पत्थर में हृदय नहीं। कौन वेग से बढ़ती है? नदी वेग से। अच्छा, तो आज इतना ही हम बता रहे हैं, 1 3 8 इतना तक आपको बताया गया है। कल हम आपको 1 3 9 पे से आगे बताएंगे। तो जितना हमने पढ़ा बताया है पढ़ाया है उसको आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद।